भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। ओए होए, परमात्मा आप जी को कितने प्रकार से समझाने की चेष्टा करता है कि किसी प्रकार या बुद्धू आत्मा ना जाने कौन सी चोट इसका लग जा और ये संभाल ले अपने मूल कार्य को। पुण्यात्माओं, हम इस काल के कुएं में पड़े हैं। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो बाल्टी निकालने के लिए क्या करता है निकालने वाला, एक हुक होते हैं उसमें 20 25 21 22 15 16 हुक होते हैं हुक, और उनको एक कड़े में डाल दिया जाता है और वो अलग अलग से ऐसे ऐसे अलग अलग उनको उसमें जड़ा हुआ होता है, डाला होता है, और उसको रस्से से बांध कर कुएं में डालते हैं। वो एक कड़ा भी डाल सकता था, नहीं, ज्यादा कड़े इसलिए, ज्यादा हुक इसलिए डाले गए ना जाने कौन से मोड़ जा। तो पुण्यात्माओं, आप हम यहां काल के कुएं में पड़े हैं और परमात्मा हमें निकालने के लिए अपनी शब्द रूपी डोरी से ये वचन रूपी हुक, ये शब्द रूपी हुक डाल रखे हैं, और ये ना जाने कौन सा उड़ जा, एक बोल जा उड़ जा, फिर बाहर ले आओगे वो बाल्टी भी काम आ गई और ठीक ठाक निकला ही, उससे जल निकलेगा। तो ऐसे हम फंसे पड़े हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार के वचन बोले हैं और ना जाने इस गुगु आत्मा के कौन सी लाग जा और ये अपना कल्याण करवा ले। क्या कहते हैं, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। तेरी दुर्गति हो जाएगी, कुत्ता बनेगा, खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे, है कि कुतिया बने, गधा बने, गधी बने, क्या दुर्गति होगी आपकी। इसलिए कहते हैं भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। और जन्म अनमोली तुझे दिया, नरदे ही पाई रे। कितना अनमोल जन्म तुझे दे रखा है, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त किया, प्राप्त है। मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, बाकी तो संतानों उत्पत्ति, इनके अंदर ममता मोह, अपने पेट के लिए भ्रमणा भटकना ये आम प्राणी करता है, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। परमात्मा ने एक नारी ड्रेस हमें दी है, हमें अलग से एक भिन्न चोला दिया है, शरीर दिया है, और इससे हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इसका केवल इसको देने का एक यही उद्देश्य था और हम मूल उद्देश्य भूलकर आम प्राणी जैसे कर्म ही करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए भगवान हमें याद दिलाता है, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। जन्म अनमोली तुझे दिया, नर देही पाई रे। देही कु देवा लोच ही सुर नर मुनि भाई रे। कितनी कितनी प्यारी बात कही परमात्मा ने। कहते हैं इस मानव शरीर को देवता भी तड़फ रहे हैं। देवता लोगों को उस समय पता लगता है जब ये वहां पहुंच जाते हैं, जो यहां भक्ति जैसी कि इनको ऊपर देवपद प्राप्त होता है। 33 करोड़ देवपद है, जैसे अपने यहाँ एमपी की सीट है, अपने भारतवर्ष में 500 ये फिक्स है, और इनमें आगे आदमी व्यक्ति बदलते रहते हैं। तो ऐसे ऊपर 33 करोड़ देवताओं की सीट है, उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर उनके अंतर्गत जितने अधिकारी वो लगाए जाते हैं। वरुण है ये जल का देवता, कुबेर है ये धन का देवता, वित्त मंत्री। तो कहते 33 करोड़ देवता हैं। उनको वहां जाने के बाद पता चलता है कि तुम्हारा ये पुण्य क्षीण होगा, और पुण्य क्षीण होने के बाद तुम्हारी मृत्यु भी होगी, तुम्हें नरक भी जाना होगा। फिर उनको याद आती है कि ये ऐसे कैसे बने, हमने तो भक्ति की थी। तो वो फिर आपस में विचार विमर्श करते हैं, भाई वेदों में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत से पूछो परमात्मा के बारे में, हमें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले।
तो वो क्या बात कहते हैं, भगवान हमें अब के ये अब की बार जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा, एक बार मनुष्य शरीर मिले, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति तत्वदर्शी संत की खोज करके करेंगे, हमारे साथ तो धोखा हो गया। जैसे कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं, हम खुदकशी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। यो शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तो न्यू का न्यू रहेगा। फिर गधा बन गया जाते लठम लट्ठा, फिर बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी। फिर आगे तो कहते हैं, इस देही को देवालोचते सुर नर्मणि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चौ वेदा गाई रे, भक्ति करे भवजल तेरे सत पर सतगुरु शरणाई रे। कहते हैं सभी सनक संदन, ये चार पुत्र है ब्रह्मा के, छोटी आयु के इनकी आयु रहती है, इसी एज में रहती है, 5 वर्ष की आयु के, लेकिन आयु के विद्वान बहुत माने जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे सनक सनंदन भी भक्ति कर रहे हैं, और चारों वेदों में भी यही कहा गया है कि भक्ति करो, लेकिन सतगुरु शरणाई रे, यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। सनकादिक नारद रटे चारों वेदा गाई रे, भक्ति करे भव जल तेरे पर सतगुरु शरणाई रे। सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आने से ही तुम्हें पूर्ण लाभ होगा, भक्ति का लाभ मिलेगा। मिर्गा कठिन कठोर है को कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। एक मृग के नाभि में परमात्मा की रजा होती है, गॉड गिवन, उसकी नाभि में सुंडी में कस्तूरी बन जाती है और उसकी महक उसको अपने अंदर से आती है। वो घास जब चरता है, श्वास छोड़ता है, श्वास घास से टकरा के जमीन से, फिर उसके वापस उसी के श्वास वापस लेता है, तो वो उसकी महक में, उसकी सुगंध में इतना मतवाला हो जाता है, वो सोचता है कि यहाँ वो यहाँ पर है, वो कस्तूरी की महक यहाँ पर महक है। वो जहाँ भी दौड़ता है, सांस छोड़ता है, फिर लेता है, वो महक उसको साथ आ रही है। वो जहां भी देखता है कि यहां से आ रही है, तो यहां वो सुगंध है, वहां है वो सुगंध है, तो थक के गिर जाता है। थक के जब बैठ जाता है तो फिर वो श्वास लेता है, तो वो महक उसको वहां भी आ रही है, क्योंकि वो उसके अंदर थी। तो परमात्मा कहते हैं कि ये मन रूपी मृग कभी तीर्थों में जाता है, कभी कावड़ लेने जाता है, कभी कहां जाता है, किसी मंदिर में जाता है, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, ये सोचता है यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है। और वो उसकी कसक उसके अंदर ही थी, वह कसक जो पिछले पुण्य की कमाई थी वो उसके साथ थी, और वो उसको लिए फिर रही थी, उसकी उसको उठाए फिर रही थी। और जब सतगुरु मिल गए तो उसको बैठा दिया उस मृग की तरह, बेटा बैठ, अरे सांस का सेवन करे, अब देखना मैक, वो मैक तुझे यहां मिलेगी, वो वस्तु अब मिलेगी तुझे। अब क्या बताते हैं भाई, जो गुरु वचन पे डट गे रट गे फंद चौरासी के, कट गे फंद चौरासी के, रकट गे फंद चौरासी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गे रट गे फंद चौरासी के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिटगी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिटगी मन पापी की दौड़, ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद चौरासी के। तो यहां परमात्मा कहते हैं
कि ये मृगा कठिन कठोर है, कहो कहाँ डैक आई रे, कहाँ धक्के खाता है, कभी तीर्थों पे, कभी मथुरा में, कभी गया जी पे, पिंड भरवाण फंड करने। और कस्तूरी है नाभि में, ये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे। राजा लोगों में तो अभिमान हो जाता है, चार सैनिक हो गए साथ में, बस ने सोचा तू केरा के बन गया, और उनको तो अभिमान हो गया। और पंडित जिसने चार अक्षर सीख लिए संस्कृत के, और 102 से उसको नमस्कार करने वाले हो गए, वाह पंडित जी, वाह पंडित जी, वाह भाई क्या बात है। और वो मानना ना कति, जैसे ही परमात्मा कबीर जी आए थे, उन सुप्रसिद्ध पंडितों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को ललकारा करते थे, समझाया करते थे, लेकिन वो माने नहीं। एकाद रामानंद जी जैसी पुण्यात्मा, सर्वानंद जैसी पुण्यात्मा एकादी सतगुरु के शरणों में आ गई, बाकी किसी ने नहीं माना। वो अपने ज्ञान पंडिताई में डूब गए। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन दूर में लाई रे। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान गली में तो बहुत टेढ़ापन है, तुम नहीं समझ सकते, तुमने अपना शरीर बर्बाद कर लिया। उस साहेब को याद कर जिन सौंझ बनाई रे, देखत ही हो जात है पर्वत से राई रे। कंचन काया नाश हुआ तन ठोक जलाई रे, मूर्ख बोंदू बावरे या मुक्ति कराई रे। फिर क्या बताते हैं, चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे, चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे, गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अजामेल गणका तेरे और सदन कसाई रे, नीच तेरे तो से कहूं नरमोड न्याई रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की वाई रे, ये धुएं कैसा धौल हर त्यों लोक चलाई रे। ओह कल बिस्कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे, गरीब दास निज नाम है नत पर भी नाई रे। अब कहते हैं कि अब देख उस साहेब को याद कर दिन सौंझ बनाई रे, यानी जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे कर्माधार पर जो सब कुछ दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी संसार में लौटकर कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स, पूर्ण मोक्ष के लिए। तो उसी का प्रमाण गीता जी में, क्योंकि परमेश्वर की वाणी में, कबीर साहेब जी की वाणी में, और कबीर जी द्वारा दिए गए अपने प्यारी आत्मा गरीब दास जी का ज्ञान योग खोलकर जो ज्ञान दिया है, उनके कंप्यूटर में फीड कर दिया था, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान ये, इसमें चारों वेद, पांचवा वेद तो ये है ही है, इसमें इंक्लूड है ये, इसमें सच्चा ज्ञान है, क्योंकि वेदों का अनुवाद गलत कर दिया, गीता जी का अनुवाद गलत कर दिया। तो ऐसे ही परमात्मा ने कृपा की हम कलयुग के अंदर इस पिछली पीढ़ी वाली पुण्यात्माओं पर, कि अपने सिंपल लैंग्वेज में, अपने मुखारविंद से, अपने मुख्य वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये बिल्कुल विस्तार से और सिंपल साधारण तरीके से लिखा है। तो अब यदि दास ये वाणी आपको पढ़ाता और ऐसे सुनाता तो कतई नहीं मानते, क्योंकि आपको साथ साथ में इन वेदों, पुराणों, गीता, कुरान आदि का भी रेफरेंस आपको दिया और दिखाया जाता है, तब आपके हृदय में ये परमात्मा का ज्ञान सत समाया है, आप समझ पाए। क्या लिखा है इसमें,
उस साहेब को याद कर दिन सौंद बनाई रे तत् ब्रह्म, उस साहेब को, उस परमात्मा को। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, परम शांति यानी पूर्ण सुख, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं हो वो तब सुख होगा, नहीं तो जन्म हो यार दुख का कहर टूटा। जब गर्भ से दुख होने शुरू हो जाता है इस प्राणी के ऊपर, माँ के पेट में बहुत दुख होता है और आजीवन दुखी रहता है, कभी सांस का दर्द, कभी कड़म में दर्द, कभी कुछ हो गया, कभी किसी चीज की टेंशन, कभी रोजी रोटी के लिए चिंतित, कोई और समस्या आ गई और शारीरिक कष्ट न रहे। तो परमात्मा कहते हैं वो परम शांति तो वही मिलेगी उस तत्व ब्रह्म के पास, परम अक्षर ब्रह्म की साधना से। उस साहिब को याद कर दिन सौंद बनाई रे, देखत ही हो जावेगा ये पर्वत से राई रे। कितना सुंदर शरीर है और एक बार फूक दिया जाएगा, सभा हो जाएगा जब तेरी मृत्यु होगी, उसके उपरांत इसको जला डालेंगे, ये राख बन जाएगी, पर्वत से राई बन जाएगा, कुछ भी नहीं। आज तो फूला समा रहा, फूला नहीं समा रहा, पता नहीं के जुगाड़ जोड़े बैठा है, एक सेकंड में ना बेरा के बिजली गिर जा। हम देखते हैं रोजाना कितने बड़े बड़े सेठ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने ही हेलीकॉप्टरों में क्रश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक सेकंड के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर कहां गर्वियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा क्या घर क्या परदेश, का जन्मे का पाड़े पोसे खूब लड़ाए लाड, ना जाने इस देह के कहां खंडेंगे आड़। उसके लिए भगवान कहते हैं भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुहाई रे। देख परमात्मा कितने प्यार से हमें समझाना चाहते हैं, पर हम गुगु और यह कति, हमारी बुद्धि पशु जैसी बना दी काल ने। एक बार तो असर हो सा इस बात का, गुरुजी क्या कह रहे हैं, भगवान का आदेश सुना रहे हैं, कैसी दुरुक्ति होगी। और घंटे दो घंटे के बाद फिर वैसी बुद्धि बन जाती है। इसका एक ही तरीका है कि रह रहकर सत्संग सुने और दाव लगते ही सिमन डट कर करे, फिर भक्ति भक्ति बढ़ती जाएगी ना आपकी, सेवा की, धर्म की, दान की, या कमाई बढ़ जाएगी, फिर यू ज्ञान काफी देर तक असर करने लग जाएगा, आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी, रात में मंत्र करने लग जाएगा, जब हाथ में माला ले लेंगे और शुरू कर दोगे भगवान की भक्ति, फिर भूल पड़ जाएगी, फिर शुरू कर देंगे। तो रह रहकर आने से जैसे बहुत गहरा जल होता है, उस गहरे जल पर भी काई आ जाती है और उसका विकल्प है जब उससे हमें लाभ लेना है तो उसको ऐसे काई को हाथ से हटा दे, वो दूर हो जाती है। हटाते रहेंगे तो निर्मल जल प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो वो ऊपर आकर उसको फिर छा लेती है। तो ऐसे हमारे इस मन की वृत्ति है, हमारे ऊपर जो प्रभाव है तीन गुणों का, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिवजी द्वारा जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा जा रहा है, कंस्टेंट है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है। जैसे सूर्य जब तक उदय है आप उसकी रेंज में है तो कंस्टेंट आप पर हीट आ रही है, उसके बचाव के लिए जैसे हमने शेड बना लिया, मकान बना लिए, ऐसे इनसे बचा जा सकता है। तो परमात्मा कबीर जी की भक्ति से आपका बढ़िया तो लेंटर वाला कोठी बन गई समझ लो, एसी लग गया साथ में। तो इन तीनों गुणों का प्रभाव से आप ऐसे बचोगे, ऐसे व्यवस्था बनाने से बचा जाता है, जैसे हमने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, मकान बना लिया, तो उन ताप से बच गए हम गर्मी सर्दी से। तो ऐसे ही इस भक्ति की शक्ति से, भक्ति की धार्मिकता से, इन तीनों गुणों से हम इनके प्रभाव से बहुत बच जाएंगे, घना फर्क पड़ जाएगा। और फिर हम तीनों गुणों के प्रभाव से हम बचे तो भक्ति करेंगे, जैसे हम इस शेड में बैठे हैं, पंखा चल रहे हैं तो हम भक्ति भी सुन रहे हैं, यदि धूप में बैठे होते थे कहाँ सुना जाता था, गर्मी याद आओ हमारे। तो ऐसे ही हमारे ऊपर तीनों गुणों का जो दबाव है त्रिगुणमयी माया का, ये भगवान की भक्ति से, धर्म से, पुण्य से, पांचों यज्ञों से, ये फिर एक किस्म का प्रोटेक्शन बन जाएगा आपके। फिर क्या बताते हैं कि तुम ये ना सोचो
ये कंचन काया ना सोहे तन ठोक जराई रे, ये तेरा कितना सुंदर शरीर है सोने जैसा, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और इसको फूक देंगे घर वाले उठा के। और कहते मूर्ख बंधु बाव रे, या मुक्ति कराई रे, उस जीवन मिला था मोक्ष कराने के लिए और डले डोकर और इसको छोड़ चला, इस सुंदर शरीर को तू अपना मानता था और ये भी तेरा नहीं रहा। फिर क्या बताते हैं, तो ये ना सोच कि हम गरीब व्यक्ति पार नहीं हो सकते या अन्य जाति वाले पार नहीं हो सकते, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने 300 वर्ष पहले गरीबदास साहिब जी ने ज्ञान दिया था, उसमें छुआछात बहुत थी, ब्राह्मण लोगों ने ठेका ले रखा था मोक्ष प्राप्ति का, विद्या पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का। तो क्या बताते हैं कि भाई चमरा जुल्हातर गए और छिपा ना आई रे। गरीबदास कहते हैं रविदास जी चमार जाति से संबंधित थे, शूद्र थे, और परमेश्वर जुलाहा कबीर जी जुलाहा जाति में थे। कहते हैं ये भी पार हो गए और फिर छिपा नाई रे। नामदेव जी छिपा जाति में, और नंदा नाम के एक नाई थे सैन भगत, कहते वो नंदा नाई रे, वो भी पार हो गए। और गणकाचड़ी विमान में सुरगापुर जाई रे, एक गणका थी एक वैश्या थी, जब बहन को पता चला ज्ञान हुआ, उसके आसपास कोई संत सत्संग कर रहा था, उस बहन ने अपने ही मकान के झांकी में बैठकर सुना सत्संग, तो सुबह वक्त से जाकर उनके चरणों में समर्पित होगी और कहा प्रभु हम मुझ पापन का भी उद्धार हो सकता है। तो सारी कहानी बताई संत ने, कहा बेटी जैसे नौका में पत्थर धरो और चे फूस रख दो, घास रखो हल्का फुल्का, चे भारी पत्थर रखो, उसका स्वभाव है पार करने का, लेकिन आपने अपनी सब क्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा, आपने बुराई त्यागनी पड़ेगी, भक्ति करनी होगी। तो समर्पित होगी उसी दिन से, कहा जैसे आप कहोगे गुरुदेव पिताजी मैं उसी तरह आपका अनुसरण करूंगी। तो उस लड़की ने नाम लिया, अपने बुराइयों को देख कर ज्ञान के आधार से अपने पापों से डर के डट के भक्ति की, कहते वो भी पार होगी। परमात्मा कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने गासे। अब परमात्मा दयालु है, उनके पास एक ऐसी मंत्र है जो दास आपको देता है, उससे आपके सब पाप कट जाएंगे और पार हो जाओगे। कहते अजामेल गणकात्रे और सदन कसाई रे। अजामेल, ओहो गणका वैश्या, अजामेल की एक अलग से कहानी है। और फिर क्या बताते हैं, शब्द हमारा साच है और ऊंट की वाई रे, और ये धूमे के साथ धौल हरती हूं लोक चलाई रे। कहते हैं हमारा जो ज्ञान है ये सच्चा है और बाकी जो ज्ञान है वो बिल्कुल व्यर्थ है। यहां पर ऊंट की वाई के दो अर्थ लगते हैं। ऊंट में अपान वायु ज्यादा होती है, वो बहुत पाद मारता है यानी गैस निकलती है उसके, तो वो कहते हैं फड़ फड़ रखा करे। और एक वो मुंह से दल ऊंट निकालता है अपने मुंह से, इतना बड़ा ब्लेडर सा बाहर निकालेगा, पूरा बैलून सा गुब्बारा सा, और नोर क्या करे। परमात्मा कहते हैं मेरा जो ज्ञान है ये सत्य है और बाकी तो ऊंट की बाई है, वो फर्र फर्र हुए बांडे हैं, उवा बाई बकते हैं, ऊंट कैसी रोल रोल कर रहे हैं, उनका ज्ञान कुछ नहीं है। कहते हैं शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, और धुवे कैसा धौल हरती हूं लोक चलाई रे। ये तीनों लोक जिनमें तुम यहां बैठे हो सुरक्षित मानते हो अपने आप को, ये तो ऐसे हैं जैसे ऊंट ने वो बुलबुला सा काट दिया, वो ब्लेडर सा बाहर निकाल दिया, गुब्बारा सा रोल कर रहा है और फिर वापस ले लेता है। तो ये कुछ दिन के लिए तुम्हारे ये तीनों लोक बाहर हैं, फिर ये पर महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए उस प्रलय के आने से पहले अपना व्यवस्था करो, भगवान की भक्ति करो। क्या बताते हैं, कल्बिस कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे। तुम्हारे कल्बिस कुसमल
कल्बिस तो कहते हैं संस्कृत में पाप को, कुसमल कहते हैं अरबी भाषा में पाप को ही, क्योंकि दोनों ही उसमें, यहाँ मुसलमान और हिंदू दो ही विशेष वैरायटी थी जब परमात्मा कबीर जी ने ज्ञान दिया। कल्बिस कुसमल सब कटे तनकन चनकाई रे, और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास निज नाम की, सच्चे नाम की, वास्तविक मंत्र की, उस तीन नाम के जाप की नित पर भी ना आई रे, नित पर भी ना। एक तो तुम 12 वर्ष में किता पर भी लागी नान जाते हो, उससे तुम मोक्ष मानते हो, नहीं। अमरा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जाते हैं दुनिया। कहते हैं ये पर भी ना हो, गरीब दास निज नाम की नित पर भी ना आई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। पुणात्माओं, परमात्मा को पता है हमारे पर कितनी आपत्ति आवेंगी, इतना कैर टूट जाता है इस प्राणी के ऊपर, पशु पक्षी बनेगा कि धक्के खाएगा, आज कार कोठियों में चलता है, कल कुत्ता बनकर उन कोठियों के पास में बैठेगा, बाहर ऊपर से शीत लहर होगी, वर्षा आ रही होगी, टूक में लाए कोई ना, ऊपर से खाज लाग जा, टांग टूट जा, कोई पट्टी बांध नहीं कोई ना, फर्स्ट एड करने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भजन करो राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। बोलो सतगुरु जी।